हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू हिमांशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत ही प्यारी सी हम, जैसे कि आपने हमारी कवर पिक्चर देखी होगी, बहुत ही प्यारी सी ब्राइड हम रेडी करने लगे हैं। हमारी रियल ब्राइड है जिसके अभी हम लेंसेज डाल रहे हैं। लेंसेज डालने के बाद हम इसका आई मेकअप शुरू करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे आपको पता है, मैं अपने रियल टेक्निक के ब्रश से आई बेस को कवर कर रहा हूँ, और आई बेस को आपको अच्छी तरह से नोज तक कंसीलर लगाते हुए कवर करना है। आफ्टर कंसीलिंग योर आईज़, कंसीलर लगाने के बाद हम उसको फेस को प्रेप कर रहे हैं। थोड़ी देर फेस पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रहा हूँ। मॉइस्चराइज़र मैं सेटाफिल का लगा रहा हूँ। सेटाफिल आप ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी स्किन पे लगा सकते हो, ड्राई पे, ऑयली पे, अगर आपको आदत है लगाने की आप लगा सकते हो। मैं आईज़ पे थोड़ी थोड़ी पाउडर सेटिंग कर रहा हूँ, बहुत मिनिमल सा पफी पे पाउडर लेके मैं उसको हल्का हल्का सेट कर रहा हूँ। मर्ज़ी है, आप सेट कर भी सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो हमारी ब्राइड को मेरी सिग्नेचर लुक चाहिए थी, जो कि स्मोकी ग्लिटरी लुक है ब्राइडल वाली, तो वो मेरे पे ही डिपेंडेंट थी, जैसे उनको अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे एंगेजमेंट ब्राइड रह चुके हैं, तो मेरे को ये वाली लुक बहुत अच्छी लगती है। तो सिमिलरली हम दोबारा सेम फॉरएवर 52 की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। आई पे लगाने के बाद उसे स्मज आउट कर रहे हैं अच्छी तरह, ताकि स्मोकी इफेक्ट हमारा अच्छे से क्रिएट हो जाए आईज़ पे। दूसरी आईज़ पर भी हम फॉरएवर 52 की पेंसिल, ब्राउन पेंसिल, जो कि बहुत अच्छी पेंसिल है, वो यूज़ कर रहे हैं और उसे ब्लेंड आउट कर रहे हैं अच्छे से। और आपको साथ के साथ ब्लेंड करना है, अदरवाइज़ उसके लाइंस के पैचेस बन जाएंगे। अब उसके फुली ब्लेंडिंग दिखाने के लिए, स्मोक आउट करने के लिए हम अपने आई पैलेट के कलर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ब्राउन स्मोकी करना है, तो हम लाइटर एंड डार्कर ब्राउन्स को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करेंगे। लाइटर ब्राउन हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन पे, एंड क्रीज को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा डीपर ब्राउन। अभी हम ब्राउन स्मोकी आइस करने के लिए लिड पे ब्राउन कलर को डैब कर रहे हैं, जो कि है डार्कर ब्राउन, मैक का डार्कर ब्राउन हम यूज़ कर रहे हैं। और हम अच्छे से उसको डैब कर रहे हैं, ताकि कोई भी बाद में क्रीजेज ना आए। तो हम मैक का सिंगल शेडो, जो कि है एम्बार्क, उसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा शेड है मैक का एम्बार्क शेड, आप डेफिनेटली बाय करो। हमें इतने सारे शेड्स या इतनी सारी पैलेट्स पिक करने की नीड नहीं है। अभी हम शिमरी शेडो लगा रहे हैं ब्रो बोन पे। आप ऑलवेज देखते हो थोड़ा स्पार्कली इफेक्ट आता है, तो कोई भी आप शिमरी शेडो लगा सकते हो ब्रो बोन पे, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। अगर आपको मैट पसंद है तो आप मैट भी रख सकते हो, आपकी जैसे प्रेफरेंस है आप वैसे रख सकते हो। लाइनर इफेक्ट देने के लिए मैं इंग्लॉट का जेल लाइनर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश, बहुत ही छोटा पीएसी का पेंसिल ब्रश है, मेरे पीएसी के ब्रशेज मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये पीएसी का ही ब्रश है, और लाइनर इफेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा स्मज आउट कर रहे हैं, ताकि स्मजिंग वाला इफेक्ट बहुत अच्छा आए। आप लाइनर बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, जैसे आपके विषय, कोई भी रूल्स नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो मेरे को पहला थोड़ा सा इफेक्ट लाइनर का देना अच्छा लगता है, बाद में भी हम रिपीट करते हैं थोड़ी फिनिशिंग के लिए। और उसको मैं टॉप अप कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक शेड, जो कि है ब्लैकआउट फ्रॉम अर्बन डिके, बहुत ही अच्छा ब्लैक है। आप सिंगल ब्लैक शेड हो, क्योंकि हमारे पैलेट्स में से ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली रख सकते हो। और आउटर कॉर्नर को थोड़ा स्मोक आउट करने के लिए मैं ब्लैकआउट को ही थोड़ा थोड़ा स्मच कर रहा हूँ, ताकि लाइनर की कोई भी एंड्स वाली लाइन हमें विजिबल ना हो। स्मोकी मीन्स आपका आई मेकअप अंदर से बाहर से अच्छी तरह ब्लेंडेड होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट देने के लिए मैं मून डस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये मून डस्ट है अर्बन डिके का, बहुत ही अच्छा शेड है, आप किसी भी ब्लैक स्मोकी, ब्राउन स्मोकी, पर्पल स्मोकी पे लगा सकते हो उसको, थोड़ा सा डस्टी शेड देने के लिए। ग्लिटर ना भी लगाएं तो भी चलेगा, हाँ, बट ब्राइड है भाई, उसको ग्लिटर तो चाहिए ही है। अगर हम ग्लिटर ना लगाएं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, तो ज़रूरी नहीं है हर ब्राइड ग्लिटर कैरी करते हैं, डिपेंड्स है ना कौन मांगते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसलिए हम लिट की ग्लिटर्स ये मिक्स हुई हुई हैं, दो तीन ग्लिटर्स आई थिंक इसमें है हमारे पास, हेवी मेटल, शैम्पेन विशेज, ये रेगुलर हमारी ग्लिटर्स हैं, दोनों मिक्स होकर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और जो हमने ग्लू यूज़ करी है वो है लिट की। तो लाइनर को मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइनर को टॉप अप कर रहा हूँ, और ये लाइनर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फेसेस कैनेडा का मैट लाइनर है, बहुत ही अच्छी फिनिश आती है इससे। तो अभी हम प्राइमर लगाने लगे हैं। प्राइमर को भर भर के नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वो स्मज होना चाहिए। अगर प्राइमर किसी जगह बहुत ज़्यादा लगा होगा तो उस पर फाउंडेशन स्टे नहीं करेगी, वो स्लिप कर जाएगी, तो इसलिए प्राइमर को आपको अच्छे से स्मज करना है।
तो फाउंडेशन लगाने से पहले आपको पता है हमारा क्या नेसेसरी स्टेप है। जो नेसेसरी स्टेप है वो है करेक्टर। तो करेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। और करेक्टर कहाँ कहाँ पर लगता है? अंडर आइज़ लगता है, लिप्स के अराउंड लगता है, फॉरहेड पे लगता है। तो आपको वो करेक्टर लगाना ही लगाना है। सो नेक्स्ट स्टेप अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन आप फ्लैट ब्रश से भी लगा सकते हो, डायरेक्टली भी लगा के स्मज कर सकते हो, या स्मजिंग ब्रश से भी लगा सकते हो। तो अभी हम फ्लैट ब्रश से लगा रहे हैं। जो फाउंडेशन मैंने यूज़ करी है इसमें टिलबरी एंड नार्स, इनके मिलते जुलते शेड मैंने मिक्स करके लगाया है। एंड देन मैं डैब कर रहा हूँ फाउंडेशन को, स्किन में पुश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रियल टेक्निक, पुशिंग ब्रश या बफिंग ब्रश। अच्छी तरह पुश करके मर्ज करना है हमें इसे, नहीं तो फाउंडेशन ऊपर ऊपर दिखती है। तो सेम मैं अपना अभी फेवरेट कंसीलर जो टू फेस से है वो यूज़ कर रहा हूँ, लाइट बेज शेड इन पे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है और ड्यू इफेक्ट रखने में हमें हेल्प करता है। ये कंसीलर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता, बहुत अच्छे से स्मज होता है। तो ये हम कहाँ कहाँ पर लगाते हैं? सेंटर ऑफ फॉरहेड, अंडर आइज पे, चिन पे एंड अपर लिप्स पे। थोड़ा सा फेयर मैं अंडर आइज पे लगा रहा हूँ ताकि जो हमारी ब्राइड की रॉयल्टी है, फेयरनेस है, वो मेंटेन रहे, वो डार्क ना दिखें थोड़ी देर बाद में। तो थोड़ा थोड़ा आप फेयर मिक्स कर सकते हो। अभी जो मैं ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्लेंडर है प्लूम का ब्लेंडर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्लूम का ब्लेंडर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फुल फेस को अच्छी तरह हमने ब्लेंड कर चुके हैं। देन आफ्टर दैट हम जो इस पे कलर्स ऐड कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोर एंड ब्लश ऐड करेंगे। तो अभी मैं ब्लशर लगा रहा हूँ, ये लिक्विड ब्लश है और मेरे पास कोई भी रैंडम एक नॉन ब्रांडेड फ्लैट ब्रश है जिससे मैं अच्छी तरह स्मज कर रहा हूँ, उसे अप्लाई कर रहा हूँ। दोनों साइड पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए, ऊपर नीचे हो गया बट ज़्यादा ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोर एंड हाईलाइटर आपका बैलेंस हो जाता है। और ब्रशेस से लगाने के बाद आपको ऑलवेज एक बार ब्लेंडर ज़रूर चलाना है ताकि उसके स्ट्रोक से अगर कोई भी कहीं निशान्स हैं वो अपने आप इवन हो जाते हैं। और क्रीम कॉन्टोर करने के लिए, फेस पे ब्रॉन्जिंग थोड़ा इफेक्ट देने के लिए मैं अभी मैक की मीडियम पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। करेक्शन एंड कंसीलिंग पैलेट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से आपका कॉन्टोर इसमें ब्लेंड हो जाता है। तो मेरे पास अभी प्रोआर्ट का फ्लफी ब्रश है AF05, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार ये ब्रश। कॉन्टोर के लिए भी, पाउडर कॉन्टोर के लिए भी, ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर के लिए मल्टीपर्पज़ ब्रश है, तो बहुत ही अच्छा ब्रश है। तो अभी हम ब्राइट पे फटाफट एयर ब्रश फिक्सर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एयर ब्रश मशीन। हम आईवाटा की मशीन यूज़ करते हैं और हमारी फिक्सिंग बहुत अच्छे से हो रही है इस पर। आपको बेस को अच्छी तरह से ड्राई करके, उसे ब्लेंड करके आपको उस पर पाउडर सेटिंग करनी है। अगर आप ड्राई नहीं करोगे पाउडर अच्छे से सेट नहीं होगा, तो आपको ड्राई ज़रूर करना है। एंड ड्राई करने के बाद आपको पाउडर सेटिंग करनी है। जो पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं शनैल का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, क्लियर 10 और क्लियर 20 के शेड्स हैं। तो आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। इन दोनों में से हमारे यही दोनों मोस्टली शेड्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको अंडर आइज विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आपको सेट करना है। आप पाउडर से भी सेट कर सकते हो जिससे कंफर्टेबली रहे। और बहुत ही ज़्यादा आपको पाउडर नहीं थोपना, बहुत कम रखना है, जहाँ जितनी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है आपको भी लग रहा है तो आप पाउडर सेटिंग ज़्यादा कर सकते हो ताकि बाद में उनको ऑयलीनेस ना लगे और उनका स्टे बना रहे। अदरवाइज़ हमने एयरब्रश करा है तो एयरब्रश करने से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत टिकी रहेगी, स्टे रहने वाला है फुल नाइट, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ब्लेंडर से हमने फुल फेस सेट कर लिया है। देन अंडर आइज को मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से सेट कर रहा हूँ ताकि कोई भी लाइंस वगैरह हमें विजिबल ना हो, लाइंस अकर ना हो। ब्रश सेम मैं पैक का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को इसका नंबर याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, बट ये ब्रश बहुत अच्छा है। देन हमारी फेवरेट पेंसिल फ्रॉम रिकोट, ऑल दैट शी वॉन्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही इंटेंस है, बहुत ड्राई है, स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है और कोल पेंसिल है, बहुत अच्छी है। अंडर आइज हम थोड़ा सा स्मज कर रहे हैं, ब्लैक को अच्छी तरह ब्लेंड आउट कर रहे हैं। मतलब अंडर आइज ब्लैक रखने से ना आइज हमें कंप्लीट लगती हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ये स्टेप करना है, आप सिर्फ ब्राउन शेडो से भी स्मज कर सकते हो, ब्लैक शेडो से भी स्मज कर सकते हो, बट काजल रखने से थोड़ी सी ब्लैक कलर की इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है ऑलवेज।
तो अभी हम पेंसिल ब्रश से सेम दूसरी आई पे भी सेम स्टेप कर रहे हैं और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर रहे हैं। आप कोई भी पेंसिल ब्रश ले सकते हो, फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हो, छोटा फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हो। अच्छी तरह से उसे ब्लेंड आउट करने के लिए आपको जितना थिक रखना है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रश यूज़ करोगे। एंड गाइस, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है हिमांशु गुप्ता मेकअप के नेम से, उसे फॉलो ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्यूटोरियल्स एंड टिप्स ज़रूर आते रहते हैं, तो अगर आपको वो इन्जॉय करना है, थोड़ा नॉलेजेबल रहना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। और मोर टिप्स के लिए एंड शॉर्ट ट्यूटोरियल्स के लिए, इसका जो नेम है वो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, हिमांशु गुप्ता मेकअप के नेम से। तो आईज़ को कंप्लीट करने के लिए हम अपना अंडर आई मस्कारा कर रहे हैं फ्रॉम फेरा रोशी डबल साइडेड मस्कारा, जो कि बहुत अच्छा वाटरप्रूफ है, कहीं नहीं जाता। लास्ट वीडियो में से किसी ने पूछा होता ये वाटरप्रूफ है, हाँ बिल्कुल यार वाटरप्रूफ है, कहीं नहीं जाता, ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, बट लगाना अपने ध्यान से, अगर नीचे लग गया फिर बहुत दिक्कत है भैया। तो अभी हम लाशेस को स्टिक कर रहे हैं, लाशेस हमारी हैं, ये एच डी लाशेस हैं, थोड़ी हेवी वाली लाशेस हैं, जो कि बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि इनका जो आई स्पेस है वो बहुत अच्छा है, थोड़ी बड़ी आईज़ हैं, तो इस पर हम थोड़ी हेवी लाशेस लगा सकते हैं। और जो ग्लू की शाइन है वो हमें दिखती रहती है, तो विद द हेल्प ऑफ लाइनर ब्रश एंड हमारा माटे लाइनर हम उसको कवर कर रहे हैं। तो अभी भैया बारी आई है आईब्रोज़ की, तो आईब्रोज़ हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर। तो आप जो कलर ले सकते हो वो चॉकलेट ब्राउन ब्राउन शेड मिक्स करके आप उसको आईब्रोज़ को ड्रॉ कर सकते हो। और कोई भी शार्प एंगुलर ब्रश, PAC का, एनास्थासिया का, बेली का, कोई भी आप ब्रश यूज़ कर सकते हो उसे ड्रॉ करने के लिए। जो आपकी आईब्रोज़ हैं वो ऑलवेज़ पीछे से डार्क होती हैं और आगे से लाइटर होती हैं, तो आपको वैसे ही उसकी शेप मेंटेन रखनी है। ये ना ऐसा ना हो कभी भी कि फ्रंट आपको डार्कर दिख रहा है और पीछे से लाइटर दिख रहा है, अच्छे से फिल्ड होनी चाहिए। अगर फिलिंग नहीं होती है तो फेस पे वो बहुत लाइटर लाइटर दिखती हैं, तो हमारा फेस इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता है। तो आपके आईब्रोज भी बहुत मैटर करती हैं। जो मैं अभी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये एनास्थासिया का ब्रश है, बहुत देर से मैंने ब्रश लिया हुआ, हाँ कॉस्टली ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, शेप बनाने में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि बहुत शार्प बनती है, इससे मिस्टेक्स हमारी बहुत कम होती हैं। तो इसी से ही जो हमारा आईब्रोज़ वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो रहा है। एंड बिंदी लगा देते हैं ड्यूरिंग द मेकअप, जब बिंदी लगा देते हो ना तो आपको लुक दिखनी शुरू हो जाती है ब्राइडल वाली। अगर इन बिटवीन वो अपने आपको मिरर में देखते हैं तो उन्हें थोड़ा कंप्लीशन वाला वर्क दिखता है, तो आप इन बिटवीन आफ्टर पाउडर सेटिंग बिंदी ज़रूर लगा दो, ताकि जब भी वो देखें तो उन्हें अच्छा लगे, ये ना लगे कि मेरा अभी भी मेकअप इनकम्प्लीट या कुछ बहुत ज़्यादा बहुत कम लग रहा है। तो हमने साथ के साथ टिक्का भी लगा दिया, तो कुछ एसेसरी गले की या हेड की एसेसरी जो भी है वो साथ के साथ लगा दो, ताकि वो जब भी अपनी लुक देखें इन बिटवीन तो उन्हें अच्छा लगे। अंडर आइज़ को थोड़ा सा हम डार्क करने के लिए, इंटेंस करने के लिए पेंसिल ब्रश से हमने थोड़ा सा टॉप अप करा था विद द हेल्प ऑफ शेडो। एंड अभी हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा ड्यू इफेक्ट देने के लिए, ग्लो इफेक्ट देने के लिए हम टॉप अप कर रहे हैं हाइलाइटर को। जो अभी हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं न्यू टिलबरी का गोल्ड बार हाइलाइटर आया था, जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ड्यूई है। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये है मॉर्फी का, बहुत अच्छा, कोई भी हाइलाइटर ब्रश ले सकते हो। जस्ट ब्रशेज़ की मैं आपको नॉलेज ज़रूर दे रहा हूँ, बट ये मतलब नहीं है कि ये ब्रशेज़ यूज़ करोगे तो ये रिज़ल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फाउंडेशन पे स्पेंड करना है, अपने ब्लेंडर पे स्पेंड करना है और अपने स्किल्स पे स्पेंड करना है सीखने के लिए, और अपना टाइम स्पेंड करना है आपको अच्छे से। वैसे हमने क्रीम कॉन्टोर कर चुके थे बट हमें थोड़ा सा टॉप अप करना है, थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग करना है, क्योंकि पाउडर करने के बाद कई कलर इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिलबरी टैन 3 शेड है कॉम्पैक्ट, तो फ्लफी ब्रश के साथ। एंड सेम नोज़ कॉन्टोर कर रहे हैं, नोज़ कॉन्टोर करना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि ऑलवेज़ वो थोड़ा सा ब्रॉड लगता है, तो थोड़ा सा शेप अप करने के लिए आपको नोज़ कॉन्टोर ज़रूर करना है। अभी आपको सिर्फ जो बीच की नोज़ कॉन्टोर वाली लाइन है वो विजिबल हो रही होगी, जो साइड्स की है वो थोड़ी सी हाइड हो जाती है, एज अ शेडो वर्क करती है।
एंड हम दोबारा हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर आपको देख के पता लग गया होगा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो फेंटी डायमंड बॉम्ब इसका नेम है। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, ड्यू इफेक्ट देने में बहुत अच्छा मज़ा आता है, मतलब लगा के हाइलाइटर। और ब्राइड्स को तो आपको पता है वैसे ही हाइलाइटर बहुत ही अच्छा लगता है। एंड गाइस सॉरी आपको पीछे से बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, बट मेरे को ये वीडियो बहुत जल्दी लेके आनी थी तो इसीलिए बहुत सारी मेरे को कोई भी रूम फ्री ही नहीं मिल रहा था आज वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसीलिए आप अपने हेडफोन्स लगा के इसे सुनना ताकि आपको पीछे की नॉइज़ कम और मेरी आवाज़ अच्छे से सुने। एंड लास्ट स्टेप हम लिपर लगा रहे हैं। लिपर मैं इसमें लिक्विड कैट वॉन डी डबल डेयर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरा फेवरेट लिपर है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ, जिसका स्टे बहुत अच्छा है। एंड हमने उसके बाद फिक्सर कर दिया एंड टॉप अप कर रहे हैं लिप पैलेट से थोड़ा सा बीच में, ताकि थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट एंड स्टिंग पर बढ़ी रहे एंड ओम्ब्रे इफेक्ट थोड़ा सा क्रिएट हो। सो इसी के साथ ही गाइज हमारी ब्राइडल लुक कंप्लीट होती है। एंड आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है हिमांशी गुप्ता मेकअप पेज को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी ही हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं। बाय बाय।